हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैदराबादी आलू गोश्त का खट्टा। यह हमारे अम्मा की एक बहुत स्पेशल और यूनिक रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 250 ग्राम बोनलेस मटन, 100 ml कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा ग्लास पानी और 2 डालियां कड़ी पत्ते के। अब इन सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के मीडियम हीट पे 6 से 8 सीटी तक गोश्त को अच्छा गला लेंगे। 6 से 8 सीटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चूल्हा सेम नहीं होता। गोश्त गले जब तक 25 ग्राम इमली लेके उसमें 1 ग्लास नीम गर्म पानी ऐड कर देंगे। फिर उसको मिक्स करके भिगने छोड़ देंगे। अब 3 टेबलस्पून खोपरे को लो हीट पे एक तवे पे भून लेंगे। थोड़ा लाइट ब्राउन हुए जब तक इस भुनना है अपने को। ज़्यादा भुने तो खोपरा जल जाता, फिर पूरा सालन खराब हो जाता। फिर भुने हुए खोपरे को एक ब्लेंडर के जार में निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें 100 ml पानी ऐड करके इसको अच्छा पीस लेंगे। ये देखिए, ऐसा पेस्ट बन जाना। 8 सीटियों के बाद लिड को हटा देंगे। अब इसको अच्छा मिक्स करके एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर देंगे। अब तेल छूटे जब तक टमाटर को भून लेते हुए गला लेंगे। एक 10 मिनट लगते इसको। अब 3 मीडियम साइज के आलू ऐड कर देंगे। एक आलू को 4 पीसेस में काट के ऐड करिए। अब इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए अच्छा भून लेंगे आलूओं को। उसके बाद 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। फिर लिड लगा देंगे और 2 सीटी तक आलू को अच्छा गला लेंगे। दो सीटी के बाद लिड हटा देंगे और एक बार इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे। एक फोक लेके चेक कर ले सकते हैं आलू गला के नहीं। उसके बाद इसमें खोपरे का पेस्ट ऐड कर देंगे। खोपरे के पेस्ट के साथ एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके इसको 2 मिनट पकने छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे। इमली के पानी के साथ सालन को मिक्स करके 5 मिनट के लिए और पका लेंगे।
उसके बाद ऐड करेंगे 3 हरे मिर्च बीच में से कटे हुए, 3 डालियाँ कड़ी पत्ते के और आधा कप कटा हुआ धनिया। अब इन सबको हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब लिड लगा के लो हीट करके इसको 5 मिनट पकने छोड़ देंगे। हैदराबादी आलू गोश्त का खट्टा सालन हो गया तैयार। इसको प्लेन राइस के साथ दबा आके एंजॉय करिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए।